नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो ये सवाल उठाने के लिए है कि क्या आपको दीपेंद्र हुड्डा के साथ या किसी भी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी मुस्कान की खूब तारीफ की, लेकिन क्या आपकी मुस्कान सिर्फ सत्ताधारियों के लिए है और क्या आपको जनता के चुने हुए किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो आपने दीपेंद्र हुड्डा के साथ किया? दीपेंद्र हुड्डा और ओम बिरला के बीच क्यों टकराव होता है और लोकसभा स्पीकर किस तरह दीपेंद्र हुड्डा को छोटे बच्चे की तरह डांटने का काम करते हैं, आगे आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि आज ओम बिरला ने क्या ब्लंडर किया जिसे लेकर विपक्षी नेता उनकी क्लास लगा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पहले राष्ट्रगान था, ओम बिरला आ रहे होते हैं, राष्ट्रगान शुरू हो जाता है और उसके बाद क्या सीन होता है जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। ये राष्ट्रगान की शुरुआत होती है, उसके बावजूद ओम बिरला टहलते हुए आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि कायदा ये बनता था कि जो जहां पर खड़ा है उसको वहीं पर खड़ा हो जाना चाहिए था राष्ट्रगान के सम्मान में। और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत कहती है कि स्पीकर महोदय, राष्ट्रगान के समय जहां है वहीं खड़े हो जाना चाहिए, जो आपने किया वो राष्ट्रगान का घोर अपमान है। तो ओम बिरला बड़े पद पर हैं, स्पीकर के पद पर हैं, तो उन्हें इन सारे नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा विपक्षी नेता कहते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि ऐसी गलती अनजाने में किसी से भी हो सकती है, तो ओम बिरला को इसके लिए ज्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि खुद अहंकारी, उन्होंने कल बयान दिया था एक, उसे लेकर कार्टूनिस्ट मंजुल क्या कहते हैं राष्ट्रगान के मुद्दे पर आज बता रहे हैं, अगले 5 साल तक बार बार नहीं कहेंगे। जब स्पीकर जी चहलकदमी कर रहे हैं तो राष्ट्रगान बीच में रोक दिया जाना चाहिए, तो ये कटाक्ष करते हैं व्यंग्यकार और कार्टूनिस्ट मंजुल। और ऐसा व्यंग्य उन्होंने क्यों किया? क्योंकि कल जो है एक बड़ा अहंकारी बयान दिया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले ही दिन, और क्या कहा था विपक्षी सांसदों को, जिसे लेकर कार्टूनिस्ट मंजुल ने यह कटाक्ष किया है। वो बयान आप सुनिए, उसके बाद आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ क्यों टकराव होता है वो आपको दिखाएंगे। पहले ओम बिरला का कल का बयान सुनिए। एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, माना कि लोकसभा में स्पीकर का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन कोई भी पद सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए और स्पीकर महोदय को यह समझना चाहिए कि सामने जो सांसद बैठे वो 5वीं क्लास के बच्चे नहीं है, वो स्कूल के बच्चे नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद हैं जो जनता से चुनकर आए हैं, तो उनका भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। माना कि आपकी जिम्मेदारी है संसद को चलाना, और सवाल यह भी उठता है कि सारा आक्रोश, ये सारे तेवर विपक्षी सांसदों के लिए ही दिखाई क्यों देते हैं? इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने जब ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर चुने गए तो कटाक्ष भी किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप खुद के इशारे पर ही चले, किसी और के नहीं, संसद आपके इशारे पर चले, ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए। तो ये अखिलेश यादव ने जो कटाक्ष किया था, लगता है कि उसका कोई असर लोकसभा स्पीकर पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, अगर कोई गलती भी करे तो आप इस अंदाज में नहीं बोल सकते जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा के साथ व्यवहार किया ओम बिरला ने। और दोस्तों, क्या व्यवहार किया ओम बिरला ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ, ये वीडियो आप देखिए। कुछ सांसदों की शपथ बाकी थी, शशि थरूर आज शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद शशि थरूर जय संविधान बोलते हैं और उसको लेकर ओम बिरला कटाक्ष करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं, जिसके बाद ओम बिरला दीपेंद्र हुड्डा को डांटने का काम करते हैं। जरा वीडियो देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है, किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बेटो, चलिए
तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सम्मानित सांसद हैं, और कोई भी सांसद क्यों ना, अपने आप में सब सम्मानित है। अगर देश की जनता से चुनकर आए हैं तो हर एक सांसद सम्मानित है। किस तरह डांट रहे हैं आप, किस तरह डांट रहे, चलो बैठो, किस पर आपत्ति होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए, मैं तय करूंगा, मतलब ये किस तरह की लैंग्वेज है। अगर एक सांसद के पद की बात करें, सम्मान की बात करें, तो जैसे आप चुनकर आए हैं वैसे ही बाकी सांसद भी चुनकर आए हैं। आप में और बाकी सांसदों में कोई फर्क नहीं है। तो आपको किसी भी सांसद से बात करते वक्त उनके सम्मान का लिहाज करना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं इस तरह सांसदों को पांचवीं क्लास के बच्चे की तरह फटकारना। ये पद के अहंकार को दिखाता है, ये मान सम्मान बढ़ाने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई बढ़ाई की बात है, ना ही ये वो शैली है जिसके तहत आप ये दावा कर सकते हैं कि मैं संसद को कंट्रोल में रखता हूं, संसद को चलाने के लिए इस तरह का व्यवहार करना पड़ता है। इस तरह का व्यवहार आपके अहंकार को दिखाता है और ये दिखाता है कि विपक्ष का आप कितना सम्मान करते हैं। आप एक एम्पायर की भूमिका में हैं। आप एक टीम के खिलाड़ियों के लिए तो ऐसे तेवर दिखाते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ी चिल्लाते रहते हैं तब भी आप मुस्कुराते रहते हैं, और उसके बाद पीएम मोदी आपकी मुस्कान की तारीफ कर देते हैं, तो आपके लिए क्या यही गोल्ड मेडल है दोस्तों? इसके अलावा विपक्षी नेता संसद में जो कैमरामैन है, या कैमरामैन नहीं कहूंगा मैं, संसद की जो एडिटोरियल टीम है संसद टीवी की, उसे लेकर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी नेता। सुप्रिया श्नेत इस मुद्दे पर क्या कहती है कि आज राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण के दौरान कितनी बार किसको दिखाया गया? सुप्रिया श्नेत कहती है 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया? नेता सदन नरेंद्र मोदी 73 बार दिखाया गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर्फ 6 बार दिखाया गया, सरकार 108 बार, विपक्ष 18 बार। तो ये कहते सरकार के पक्ष के जो लोग हैं उनको 108 बार दिखाया गया और विपक्षी सांसदों पर कैमरा सिर्फ 18 बार गया। तो इतना भारी अंतर दावा करते हैं विपक्षी नेता कि कैमरे का जो एंगल लिया जाता है, जो शॉट दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ सत्ता पक्ष वालों के ज्यादा दिखाए जाते हैं, ताकि जनता को सिर्फ सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दें। पहले दिन भी ये खेल दिखाई दिया था जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को राष्ट्रगान के दौरान दिखाया ही नहीं गया। पीएम मोदी और सत्ता पक्ष और एक बार विपक्ष के बाकी सांसदों की तरफ कैमरा गया था। तो पिछली बार जैसे सदन चल रहा था, अब की बार भी वैसा ही खेल दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेता उम्मीद करते हैं कि संख्या बल ज्यादा आया है तो सरकार के व्यवहार में थोड़ा सुधार आना चाहिए, स्पीकर साहब को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ जैसा व्यवहार ओम बिरला ने किया है, वो दिखाता है कि तस्वीर शायद ही बदल पाए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? विपक्षी नेता जो सवाल उठा रहे हैं कि संसद टीवी पर विपक्ष को दिखाने से लेकर विपक्षी नेताओं के साथ स्पीकर के व्यवहार में भेदभाव दिखाई देता है, और इसका आरोप कई नेताओं ने लगाया था। अखिलेश यादव के अलावा सुप्रिया सुले ने भी क्या कहा था, जरा सुनिए। 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों लगता यही है कि विपक्षी सांसदों के सुनाने के बावजूद लोकसभा स्पीकर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। आप दीपेंद्र हुड्डा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बहस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।